प्रदेश के हांसी में एक तो प्री मानसून की बारिश से गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन दूसरी ओर शहर के ऑटो मार्केट और गांधी मार्केट में दुकानदार इलाकों में बारिश के पानी की निकासी न होने के चलते बेहद परेशान दिखी और इसी से नाराज होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ऑटो मार्केट के दुकानदारों ने नगर परिषद प्रशासन के अधिकारियों को जमकर कोसा। स्थानीय दुकानदार की माने तो दुकानदार पिछले काफी वक्त से मार्केट में बरसात आने पर ऐसे ही गंदे पानियों में बीमारी का शिकार बन रहे हैं। पूरा मार्केट मानो जैसे तालाब बन गया हो। ऐसा नहीं है कि समस्या के बारे में प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी नहीं है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो लोगों के घरों में भी पानी भर जाता है और इसके लिए कई बार प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात भी हुई, लेकिन सुनवाई नहीं होती, सिर्फ आश्वासन मिलता है। लिहाजा अब शहर वालों ने यह फैसला कर लिया है कि यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो शहरवासी मजबूर होकर आंदोलन की राह पर चलने को मजबूर होंगे। ऐसा है जी, सन 1978 में ये मार्केट बनी थी, उससे लेके आज तक इसका ना तो कोई यहाँ पीने का पानी की है, ना कोई बाथरूम है, पानी की इतनी समस्या है, लोग पीलिए से दुरुस्त है, यहाँ निकासी का ना होने के कारण दुकानदार बड़े बेचैन हो रहे हैं। समस्या इतनी गंभीर है, सभी अफसरों से हम जा चुके हैं, कोई समस्या का हल नहीं हो रहा, जिसके कारण ये हमें ये पग उठाना पड़ गया। अगर इस समस्या का हल नहीं हुआ तो उसके बाद हम रोड जाम करेंगे, प्रशासन को जगाएंगे कि हमारी समस्या को हल किया जाए। थोड़ी सी बूंद आ जाए तो भी पानी इकट्ठा हो जाता है, निकासी है नहीं, पानी कहीं जाता नहीं है, क्योंकि पूरा बरसी गेट का पानी आता है, लाल सड़क का पानी आता है यहाँ पे, ये कारण यही है। एक बार बारिश आ जाए तो महीने तक पानी नहीं निकलता, 20-20 दिनों तक दुकानों की बुनी तक नहीं होती, मिस्त्री आकर बैठ बैठ कर चले जाते हैं, आधे भी मिस्त्री तो बीमार हो गए यहाँ की गंदगी के कारण। इस गांधी मार्केट का नाम बदलकर गंदी मार्केट रख देना चाहिए, ऐसा हाल हो गया इस मार्केट का। गंदी मार्केट हो गई है। प्रदर्शन किया गया, इसका सुधार करा जाएगा, अगर इसका सुधार नहीं होगा तो हम रोड पर धरना देंगे, रोड को जाम करेंगे। हमारी यही मांग है, रोड को पक्का करवाया जाए, सीवरेज व्यवस्था डलवाई जाए। क्या तो ये चार पांच साल से ऐसे ही पानी की समस्या आ रही है, पानी की गंदगी इतनी इकट्ठी हो रही है यहाँ पे कि लोगों को बीमारी भी झेलनी पड़ती है और काम भी नहीं कर पाते मिस्त्रिया। ये गांधी मार्केट में इतनी गंदगी है, मैं खट्टर साहब और विनोद भैणा जी से कहता हूँ एक बार आके यहाँ पानी में एक घंटा खड़ा होके या इसके पास बैठ के तो दिखाइए, हम मान जाएंगे। ये इतनी समस्या है, या लोग दवाई खाते हैं रोज, दवाइयाँ खा खा के टाइम पास करते हैं अपना, कुछ भी काम नहीं कर पाते, या कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, दुकानें बंद कर करके अपने यहाँ पे टाइम पास करते हैं, सड़कों पे बाहर जाके टाइम पास करते हैं। तो इसके बारे में प्रशासन को कभी आपने बताया? प्रशासन को आपने कंप्लेंट कम से कम भी 15-20 बार कंप्लेंट दे चुके हैं। पप्पू चुग यहाँ का मिस्त्री है जो कि 5-7 बार जो है ना प्रशासन के पास जा चुका है, कंप्लेंट भी लिखवा चुका है, लेकिन प्रशासन कहता है कि हम जो है ना आप जाओ हम आपका काम हो जाएगा, जाओ आपका काम हो जाएगा, काम कुछ करवा नहीं रहे हैं। कभी यहाँ पे पानी की निकासी नहीं करवा रहे, पानी अटका रहता है 2-2 महीने तक, मच्छर इतने हो रहे हैं, इतनी बीमारियां फैल रही है, बताओ। फिर ऊपर से खट्टर सरकार कहती है हमारे को वोट दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कर कुछ नहीं रहे। हांसी से केशव धमीजा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।